सुप्रभात। व्याकरण में आप देखेंगे संधियों के प्रकार, संधियाँ जो है वह तीन प्रकार की हुआ करती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और उपसर्ग संधि। स्वर संधि में एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के वियोग होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में निम्नलिखित संधियाँ मुख्य हैं। नंबर एक दीर्घ संधि, जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए वहाँ पर देव के स्थान पर नहीं तब दोनों के स्थान में दीर्घ स्वर हो जाता है, जैसे देव प्लस आलया बराबर देवालय। यहाँ पर देव के वा में ह्रस्व अकार है तथा आलया का पूर्व वर्ण दीर्घ आ आता है, इसलिए ऊपर के नियम के अनुसार दोनों के ह्रस्व आ और दीर्घ आ के स्थान में दीर्घ आ हो गया, जैसे आ आ प्लस आ आ ई ई ई ई बराबर ई ऊ ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ री री प्लस री री बराबर रे। दैट्स ऑल। होमवर्क में राइट संधियों के प्रकार तत्व संधि राइट करना।